यहाँ उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे, यहाँ आपके लोगों ने मदद नहीं की। मैं आपको बताऊं, एक इंच पीछे नहीं हटे। वो क्यों ना, इसका कारण क्या है? मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। इस बार जैसे प्रियंका ने कहा, कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। मैंने सोचा कि ये क्यों हुआ, कि पहली बार मैंने देखा कि इंडिया गठबंधन, अलग अलग पार्टियां, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, डीएमके का हर कार्यकर्ता एक साथ खड़े होकर लड़ गए। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे, यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, एक इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो देश की आत्मा को समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करने की